इन एसोसिएशन विद हिमालय प्योर हर्ब। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडुची। हिमालय गुडुची बना है 100% गुडुची एक्सट्रैक्ट से। गुडुची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। राधिका 35 साल की हैं, पटना की रहने वाली हैं। पिछले कुछ सालों में उनके 50% तक बाल सफेद हो गए हैं। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया पर क्योंकि उनका केस थोड़ा जेनेटिक है इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। उनके परिवार में ज्यादातर लोगों के बाल 30 साल की उम्र में सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि उनके बाल दोबारा काले नहीं हो सकते इसलिए राधिका अपने बालों को कलर करवाने के बारे में सोच रही हैं। उनका कहना है कि वो अपने सफेद बालों को लेकर सहज महसूस नहीं करती। उनके आसपास कई लोग हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं हालांकि उन्होंने कभी भी हेयर डाई इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उनके मन में कुछ डर है, कुछ सवाल है जिनके बारे में वो जानना चाहती है। पहला तो ये कि कहीं हेयर डाई इस्तेमाल करने से या बाल कलर करवाने से उनके बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे, झड़ना तो शुरू नहीं कर देंगे। साथ ही उन्होंने कई लोगों से ये भी सुना है कि हेयर डाई का इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाता है। वो जानना चाहती हैं कि क्या ये बात सच है। हेयर डाई का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं और आजकल तो बाल कलर करवाना एक बहुत ही आम बात है। अब ऐसे भी एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या बाल डाई करने से कोई नुकसान होता है। साथ ही जो लोग अपने बाल कलर करवाते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेयर डाई जो होती है एक तरह की केमिकल है, एक तरह का रसायन है, ये सब हम जानते हैं इस बारे में। और इससे जो जनरली जो आप देखेंगे मार्केट में जो हेयर डाइज अवेलेबल हैं उनसे मेजोरिटी लोगों को, ज्यादातर लोगों को कुछ परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन डाइज की वजह से एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकता है, पिगमेंटेशन मतलब चेहरे पे कालापन आना, वो हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसके इस्तेमाल से हो सकती हैं। चीज है इससे कैंसर होता है या नहीं, ये चीज अभी तक प्रूव नहीं की गई है, इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, जो लोग हेयर डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग बनाते हैं हेयर डाई, जिनका पूरे टाइम हेयर डाइज के साथ काम रहता है, कॉन्टैक्ट रहता है, उन केसेस में कुछ हद तक कैंसर की मात्रा पाई गई है। लेकिन जो हम खुद के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए डाई यूज करते हैं उससे कैंसर होता है क्या या नहीं होता है, इस पर अभी भी विवाद है। और मेजॉरिटी स्टडीज ऐसी हैं, जो आज तक की जो स्टडीज है इसमें ऐसा बताया गया है कि इससे कोई कैंसर की जो मात्रा है वो ज्यादा हद तक होती है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। तो अभी तक के लिए पर्सनल यूज के लिए हेयर डाइज को सेफ माना गया है जहां तक कैंसर का सवाल है। तो ऐसी कुछ डाइज आती हैं जिन्हें केमिकल फ्री या पीपीडी फ्री डाइज कहा जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं अमोनिया फ्री डाई यूज करो उससे प्रॉब्लम्स कम होती है। ऑफ कोर्स अमोनिया फ्री डाई यूज करना चाहिए, पर साथ ही साथ एक केमिकल होता है जिसे पीपीडी कहा जाता है। पीपीडी भी अगर डाई में नहीं होगा तो वो काफी सेफ और काफी हमारे यूज के लिए सेफ मानी जाती है। उसे ऐसे डाइज को कहते हैं अमोनिया फ्री, पीपीडी फ्री हेयर डाइज, ऐसे कुछ एक डाइज मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको एलर्जी की समस्या है या आपको कुछ और परेशानी है, आपको देखना है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इन डाइज से, प्रॉब्लम की मात्रा कम होनी चाहिए, तो आप ऐसे डाइज यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब पहली बार डाई यूज करें तो हमेशा डाई को कान के पीछे वाले चमड़ी पर या हाथ पर, यहाँ पर फोरआर्म की चमड़ी में अंदर के हिस्से में थोड़ा सा लगाकर 24 घंटे रखें और उसके बाद उसे धोकर देखें कि 72 आवर्स तक, 72 घंटे तक कोई रिएक्शन होती है क्या चमड़ी पर। अगर कोई रिएक्शन होती, मानो रेडनेस हो गई या इरिटेशन, खुजली शुरू हो गई, अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो डाई आपको यूज नहीं करना चाहिए। और बार बार रंगने से बाल ड्राई हो जाते हैं, लोगों के स्कैल्प में खुजली हो जाती है, तो इसीलिए अच्छा शैम्पू, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें, कंडीशनर जिसे कहा जाता है बालों के लिए, अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर अगर आप यूज करें तो बालों की ड्राइनेस की समस्या कम होगी। डाई तभी यूज करें जब उसकी जरूरत है। हेयर डाई से कैंसर हो सकता है या नहीं, इस बात पर अभी भी विवाद जारी है।
पर जो लोग अपने बाल कलर करवाते हैं या करवाना चाहते हैं वो डॉक्टर रिंकी की बताई गई टिप्स जरूर फॉलो करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अपने खाने को क्यों अल्यूमिनियम फॉइल में लपेटना अवॉइड करना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग खाने को गर्म रखने के लिए उसे घंटों अल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर रखते हैं, जैसे रोटी, सैंडविच वगैरह। साथ ही इसका इस्तेमाल खाने को बेक करते टाइम, रोस्ट करते टाइम भी किया जाता है, पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करना अवॉइड करना चाहिए। अल्यूमिनियम फॉइल में आपका खाना गर्म तो रहेगा पर ये आपका दोस्त नहीं है, इसके अपने नुकसान है। दरअसल अल्यूमिनियम फॉइल कुछ केमिकल से बना होता है, जैसे डाइब्यूटाइल और ब्यूटाइल बेंजिल। जब आप बेक या फिर रोस्ट करते समय अल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं तो आग की गर्मी के कारण फॉइल मेल्ट होता है, इससे केमिकल्स लीक होकर खाने में मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप गर्म खाना लंबे समय के लिए अल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर रखते हैं तो भी यही होता है। अगर ये केमिकल्स आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं तो इसका असर आपकी किडनी, ब्रेन और लिवर तक पड़ सकता है। ये आपकी हड्डियों को भी कमजोर करता है और साथ ही कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को बढ़ावा भी देता है। इसलिए बेहतर है जब जब हो सके अल्यूमिनियम फॉइल को अवॉइड करिए। आप रोटियां लपेटने के लिए साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए दांत के दर्द में लौंग कैसे काम आती है। लौंग खाने में खुशबू और स्वाद तो देती ही है, पर इसका एक फायदा और भी है, ये दांत के दर्द से निजात भी दिलाती है। जहां दांत में दर्द हो वहां एक लौंग दबा लीजिए, कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा। यही नहीं, मसूड़ों में सूजन भी कम होगी। दरअसल लौंग में एक चीज होती है जिसको यूजेनॉल कहते हैं। ये एक तरह का नेचुरल केमिकल होता है जो नेचुरल एनेस्थीजिया का भी काम करता है, इसलिए ये आपको दर्द से निजात दिलाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।